जन्म मोह दीजिया तो वृंदावन को चले सखीवा देश को और बेचे हर मिले तो ये के पानी तो बाबा सागरदास जी स्टेज पे आने की कृपा करें। भैया मेरे दूर दूर तक करके भस्मा सुर ने किया बहुत अभिमान किया बहुत अभिमान किया बहुत अभिमान किया बहुत अभिमान पर पाकर के
सज्जन प्रसंग है शिवपुराण से। एक समय दैत्य भस्मासुर भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए कैलाश पहुंच जाता है और बड़ी ही कठिन और घोर तपस्या करता है। इस तपस्या को देखकर भगवान शंकर उसके पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा मांग, क्या मांगता है तू? वो भस्मासुर कहता है कि हे प्रभु, अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे दरवाजा दे दीजिए। भगवान शंकर तीन वचन दे देते हैं, मांगते हैं कि हे भगवान, मुझे अजर अमर कर दो। भगवान शंकर मने कर देते हैं, नहीं, ये ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि है, इसमें मैं फेर बदल नहीं कर सकता, कुछ और मांग सकते हो। तो भगवान शंकर के हाथ में जो कड़ा था, अष्ट धातु का कड़ा था, भैया रमेश मैंने बताया भी, वो आठ की गिनती में आओ, अष्ट धातु को कड़ो सुन लीजिए, उस कड़े को मांग लेता है। जब वो कड़ा उसके लिए मिल जाता है तो उस दुष्ट को अपमान हो जाता है। जैसे ही पार्वती माता को नजर करता है तो बदनीयत से देखने लग जाता है और पार्वती माँ के पीछे दौड़ने लग जाता है। अगारी क्या होता है सज्जनों, वो सुने। अरे परदेश जाके और के, अरे परदेसिया आते ही मुझे ये सुध-बुध नहीं रहेगी, ये मेरा गुरु है, गुरु के साथ में ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान शंकर का ही तो कड़ा था और उसका ही भजन किया था और उस कड़े का ही एक उसमें एक सौदा था कि जिसके शीश पर वो फिर जाता था और उस वो बोल देता कि भस्म, तो उसी जगह भस्म हो जाता था। भगवान शंकर भी इस चीज से कचरा रहे थे कि ये दुष्ट अगर तेरे शीश पर इस कंगन को फेर गया तो तुझे भस्म कर देगा और तेरी जो ये पार्वती है इसको ये अपने लिए हरण कर लेगा। तो आगे क्या लिखा है भैया, क्या लिखा है मार्शल? Yeah!
का पुरस्कार हमारे भाई साहब समंद्र जी के सुपुत्र डायरेक्टर रंजीत सिंह जी इस पार्टी को लिए लेकर खुश होकर देते हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं। हाँ साहब, 51 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई साहब मान सिंह मेंबर साहब, उनकी पुत्री पिंकी इस पार्टी को 51 रुपए का पुरस्कार देती है, हम बार बार धन्यवाद देते हैं। हाँ जी, ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई साहब लक्ष्मण सिंह जी दुदेरी वाले हमारी पार्टी के लिए इनाम देते हैं, बार बार धन्यवाद आशीर्वाद की कामना करते हैं साहब। आगे क्या लिख दिया, जब वो कंगन उसके हाथ में लग जाता है तो क्या करता है वो भस्मासुर को, सुने साहब, पार्वती के और भगवान शंकर के पीछे लग जाता है तो भगवान शंकर और पार्वती कहां पहुंचती हैं, भगवान विष्णु के पास में। विष्णु के पास में जब पहुंचते हैं तो विष्णु को एक बड़ा ही कठिन कार्य करना पड़ा कि उन्हें मां पार्वती का रूप धारण करना पड़ा। तो आगे क्या लग दिया भैया, बनायो, 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 बनाय
लेते हैं, नारी के रूप में आ जाते हैं। जैसे ही पार्वती से भी सुंदर लगने लगे और वो दोस्त माँ पार्वती को